बॉलीवुड स्टार इरफान खान का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वो लंबे समय से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। इरफान ने बुधवार की सुबह 11 बजे के करीब मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मंगलवार को अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें आईसीयू में रखा गया था। इरफान के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा जानकारी दी गई थी, उनकी हालत स्थिर है और उनको कॉलम इन्फेक्शन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देर रात ये भी दावा किया गया था कि अब उनकी तबीयत में सुधार है और उनकी मौत की खबरें झूठी हैं, लेकिन आज सुबह उनकी मौत की जानकारी दी गई। इरफान खान की मौत की जानकारी देते हुए परिवार की ओर से आधिकारिक बयान जारी किया गया है, जो काफी भावुक कर देने वाला है। जारी बयान में कहा गया, मुझे भरोसा है मैंने आत्मसमर्पण कर दिया है। इरफान खान अक्सर इन शब्दों का प्रयोग किया करते थे। साल 2018 में कैंसर से लड़ते समय भी इरफान ने अपने नोट में ये बात कही थी। इरफान खान बेहद कम शब्दों में अपनी बात कहा करते थे और बात करने के लिए आंखों का ज्यादा इस्तेमाल करते थे।